गौवंश सेवा प्रभु सेवा समिति के पदाधिकारी और बजरंग दल के जिला संयोजक दीपक यादव और उनकी टीम ने एक गौमाता का सुरक्षित प्रसव कराया है। पेट में बच्चा फंस जाने से गौवंश तकलीफ में थी, अब गौमाता और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। बजरंग दल के जिला सह संयोजक और गौ सेवा प्रभु सेवा समिति के पदाधिकारी दीपक यादव को रात्रि 8:30 बजे हाउसिंग बोट फौजी नगर में एक गौवंश के पेट में बच्चा फंस जाने की जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसके बाद दीपक यादव अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और अपने पास उपलब्ध संसाधनों की मदद से काफ़ी मशक्कत के बाद गौवंश के पेट से बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला, जिसके बाद गौवंश और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। इसकी जानकारी दीपक यादव और गौ सेवा प्रभु सेवा समिति की मंजू सिंह ने दी। जय श्री राम, मैं दीपक यादव बजरंग दल लाइव। कल फौजी नगर जानकारी में एक गौ माता दोपहर 12 बजे से बहुत तकलीफ में थी तथा पेट में बच्चा फंस गया था, तो और हमें जानकारी रात को 8:30 बजे करीब मिली। पूरी टीम के साथ पहुँचकर 1 घंटा कड़ी मशक्कत करने के बाद गौ माता के पेट से बच्चे को निकाला गया और गौ माता तथा बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। और जो गौ माता को पालते हैं केवल दूध दही के लिए ही करते हैं, दूध बंद करने के बाद गौ माता को भूल जाते हैं, सड़कों पर आवारा घूमती है। मैं गौ पालकों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, अगर गौ माता को रखे हैं तो घर में रखें, सुरक्षित रखें, ऐसे रोडों पर आवारा ना छोड़ें। जय श्री राम, जय गौ माता, गौ सेवा प्रभु सेवा। मैं मंजू सिंह, जय गौ माता, जय श्री राम। कल फौजी नगर से देर रात एक कॉल आया कि गौ माता की परिस्थिति बहुत ही ख़राब है, तो हमारी पूरी टीम और दीपक यादव पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद 1-1.5 घंटा गौ जो है बच्चे को सुरक्षित पेट से बाहर निकाल लिए और इस समय बच्चा और गौ माता दोनों स्वस्थ हैं। तो हम और हमारी पूरी टीम दीपक यादव का दिल से धन्यवाद करते हैं। गौरतलब है कि गौ सेवा प्रभु सेवा समिति के पदाधिकारियों द्वारा काफ़ी लंबे वक्त से गौ सेवा की जा रही है। गौवंश के घायल अथवा बीमार होने की सूचना मिलते ही टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर इसका उपचार किया जाता है। इनके इस कार्य को देखकर लोग भी इनका सहयोग करने आगे आ रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।